नमस्कार, ग्राम पंचायत चुनाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं महत्वपूर्ण चार या पांच टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है, यदि दो बच्चों वाला नियम पंचायत चुनाव में लागू कर दिया जाए तो सबसे अधिक किन जातियों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा टॉपिक है कि दो बच्चों से अधिक वाला जो नियम है, अगर ये लागू कर दिया जाए तो सबसे अधिक नुकसान किन जातियों और धर्म के लोगों को होगा। सबसे तीसरा टॉपिक है, जो सबसे अहम टॉपिक है, कि यदि ये नियम लागू हुआ, दो बच्चों वाला नियम लागू हुआ, तो ओबीसी और एससी जातियों को किस तरीके का फ़ायदा नुकसान होने वाला है, इस बात की भी चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि दो बच्चों वाला नियम लागू ना हो, इसके लिए क्या उपाय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक को। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। अब सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। पहला टॉपिक, दो बच्चों वाला नियम यदि लागू हो गया तो सबसे अधिक लाभ किन जातियों को होगा। तो इसका आंसर है, जनरल कास्ट को सबसे अधिक लाभ होगा। कैसे? इसका जवाब इस तरीके से आप समझिए, आप अपने गांव में या पड़ोस के गांव में या आसपास या दूर तक एक निगाह से देखें तो आपको पता चलेगा कि जनरल कास्ट के लोगों में लगभग 80% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास या तो दो बच्चे हैं या दो बच्चों से कम हैं। मात्र 20% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास दो बच्चों से अधिक हैं। तो इस कैटेगरी में, यानी जनरल कैटेगरी में, सामान्य वर्ग में सबसे अधिक लाभ मिलेगा। यदि ये नियम लागू हुआ तो सबसे अधिक नुकसान पंचायती चुनाव के सिलसिले में किन जातियों को और किन धर्म के लोगों को होगा? तो इसका सबसे तगड़ा जवाब है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को सबसे अधिक नुकसान होगा, यानी उनकी उम्मीदवारी सबसे अधिक छीनी जाएगी। और बात कर लेते हैं एससी कास्ट का। एससी कास्ट के लोगों में यदि देखा जाए तो लगभग 80% लोगों के पास दो बच्चों से अधिक बच्चे मिलेंगे और 20% लोग ऐसे होंगे जिनके पास दो बच्चे या दो से कम बच्चे होंगे। तो एससी कास्ट को हिंदू में सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है पंचायत चुनाव के सिलसिले को लेकर के। अब हमारा तीसरा टॉपिक है कि ओबीसी और एससी। ओबीसी में यदि देखा जाए तो ओबीसी में लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास दो बच्चे या दो बच्चों से कम हैं, और 60% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास दो बच्चों से अधिक है। 60% उम्मीदवार, प्रधानी पद के उम्मीदवार, पंचायती चुनाव के उम्मीदवार, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 60% ऐसे उम्मीदवार मिलेंगे जिनके पास दो बच्चों से अधिक बच्चे हैं। तो उनको सीधे सीधे यह नियम लागू होने से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और सबसे लास्ट टॉपिक और मेन टॉपिक की मैं बात करूं कि दो बच्चों वाला नियम लागू ना हो, इसका क्या उपाय है। तो इसका सीधा सीधा उपाय है विरोध। लेकिन विरोध कब होगा? जब यह नियम लागू हो जाएगा पूरी तरीके से, तब विरोध करेंगे। तब उस समय विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं। सरकार अभी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बयान दे करके, मीडिया को अपना विचार रख करके ये बता रही है और आप सभी लोगों को चेक कर रही है कि क्या आप लोगों में यह नियम लागू होने से किसी भी प्रकार की नाराज़गी है, क्या कोई गुस्सा है, कोई उबाल है। यदि आप लोग शांत रहे, नाराज़गी नहीं दिखाए, गुस्सा नहीं दिखाए, विरोध नहीं किए, तो ये नियम हमें लगता है कि आने वाले समय में ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दंगाई होने के लिए उकसा रहा हूँ। मैं आपको संवैधानिक अधिकार के अनुसार विरोध प्रदर्शन के लिए कह रहा हूँ। नियम लागू नहीं हुआ है, फिर भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने क्षेत्र के मंत्री, विधायकों, सांसदों के माध्यम से अपनी बात को, अपने दुख को, व्यथा को आप सदन तक पहुँचाने की बात कहें कि मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी, आप लोग पंचायती चुनाव में होने वाले हेर फेर के नियम को सदन तक पहुँचाएँ, राज्यसभा तक पहुँचाएँ कि ऐसा ना हो। क्योंकि आप सब ने, ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे जनरल हो, सभी लोगों ने बीजेपी गवर्नमेंट को चुना है। क्या आपने इसलिए चुना था कि आपके भविष्य को, आपकी उम्मीदवारी को और आपके
हक को ये सरकार छीन ले, नहीं, आपने एक अच्छा दिन, अच्छे दिन देखने के लिए सरकार को चुना था, लेकिन अच्छे दिन की बजाय बुरे दिन दिखाने वाली सरकार न बनने पाई ये योगी सरकार। इस नाते आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े स्तर के नेताओं से इस बात को सदन तक, लखनऊ तक, दिल्ली तक पहुँचाएँ, ताकि ये नियम लागू न हो और आप सभी का हित बना रहे। इस वीडियो को बनाने का मात्र यही उद्देश्य था कि आप सभी लोग संवैधानिक तरीके से इस बात का विरोध हल्के तौर पर कीजिए, थोड़ी सी नाराजगी जताइए, अपने अपने क्षेत्र के मंत्री विधायकों के माध्यम से पहुंचाइए ऊपर तक। हो सकता है कि सरकार अपने लेने वाले इस फैसले को रोक दे, क्योंकि सरकार को सत्ता में बने रहने का भी तो मौका चाहिए। सरकार तो एक तरफ से अपना वोट खो चुकी है, मुसलमानों की तरफ से लगभग 99% वोट खो चुकी है सरकार। अब सरकार क्या ये भी चाहे कि जानबूझ करके कि हम हिंदुओं का भी वोट न पाए? अगर सरकार ये चाहती है तो इस नियम को लागू करे और एक बार देखे। गांव का नेता गांव के वोट को इधर से उधर करने में सक्षम है। गांव का प्रधान, गांव का उम्मीदवार चाहे हारा हुआ हो चाहे जीता हुआ हो, अगर गाँव का वोट वो चाहे तो इधर से उधर कर देगा। इन नियमों को लाने के बाद सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, मेरा मानना तो ये है। बट आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, मेरी बात से आप सहमत हो कि नहीं हो, मेरी बात में कितने % सच्चाई है, क्या आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।